सोमवार को सिंगापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सफल किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी दी, जिसके बाद उनके शरीर में कुल 3 किडनियां हो गई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन से पहले लालू की दोनों किडनियां 28% काम कर रही थी। ट्रांसप्लांट के बाद यह लगभग 70% काम करने लगेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इतना काफी माना जा रहा है। हालांकि लालू यादव को अब काफी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। उन्हें भीड़ भाड़ से बचकर रहना होगा। उन्हें ब्लड प्रेशर, बीपी और इम्यूनोसेफेसिस की दवाएं भी नियमित तौर पर खानी होंगी। इसी पर किडनी का सर्वाइवल डिपेंड करेगा। उधर ऑपरेशन से पहले बेटी रोहिणी आचार्य का किया गया ट्वीट अब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईश्वर को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में पापा को देखा है।